19 जुलाई पिछले 24 घंटा में उड़ीसा में अधिकांश स्थानों पर ही हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हुआ है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट रेनफॉल मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का चित्रकुंडा 199.0 मिलीमीटर। स्टेट एवरेज रेनफॉल हुआ है 16.1 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 11.4 मिलीमीटर। और अभी सीजनल जो स्थिति मानसून रेनफॉल का हमारा आया है, फर्स्ट जून से आज 19 जुलाई तक टोटल रेनफॉल हुआ है 346.5 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 405.5 मिलीमीटर। स्वाभाविक से 15% कम है, बट स्वाभाविक रेंज में ही है। और जुलाई का जो रेनफॉल है, फर्स्ट जुलाई से आज 19 जुलाई तक रेनफॉल हुआ है 182.8 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 196.3 मिलीमीटर, तो स्वाभाविक है 7% कम है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा सीजनल जो रेनफॉल है, फर्स्ट जून से 19 जुलाई तक चार डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेस रेनफॉल हुआ है, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवघर, मलकानगिरी। 13 डिस्ट्रिक्ट्स में स्वाभाविक रेंज में है और 13 डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट कैटेगरी में है, बट सभी जगह में अभी डेफिशिएंसी कम हो रहा है। अभी हमारा रीजन में मानसून एक्टिव है, मानसून फ्लो एक्टिव है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा साउथ एशिया का कोस्ट का पास में है और मानसून ट्रैप भी साउदर्न लोकेशन, स्वाभाविक लोकेशन से साउदर्न लोकेशंस में है। एक शेयर जोन, ईस्ट वेस्ट शेयर जोन भी हमारा अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ है। तो सभी जो मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन है इसमें स्वाभाविक एक्टिव मानसून के लिए फेवरेबल है हमारा उड़ीसा के लिए। अगला 5 दिन तक ही मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही स्वाभाविक बारिश होने का चांसेस है। हल्का से मध्यम बारिश मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही रहेगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी कंटिन्यू करेगा कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट डेज में। जैसे नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा मलकानगिरी, कोरापुट, गजपति, गंजाम, इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है। नवरंगपुर, रायगढ़, कालाहंडी, कंधमाल, बोलांगीर, सोनपुर, संबलपुर, ओंगोल, नोआपाड़ा, नयागढ़, पुरी, खुर्दा, बौद्ध, इसमें हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है एक दो जगह करके। फिर 20, 21, 22, 23 तक भी हमारा हैवी टू हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। मलकानगिरी, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में अभी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट का पॉसिबिलिटी है। भुवनेश्वर सिटी में हमारा में जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, अगला 4-5 दिन मेघ दो स्पेयर्स करके हल्का से मध्यम बारिश कंटिन्यू करेगा।